डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सभ्यता अग्रवाल क्लासेस। आज के समाचार पत्रों की मुख्य खबरें और रोजगार संबंधित जो खबरें हैं उन्हें लेकर आए हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर और लाइक जरूर करें। सबसे पहले जो न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक भर्ती निकाली है APS की। उसमें ये कहा गया है, अगर शॉर्ट हैंड में कोई भी गलती हुई तो माफ़ी नहीं होगी। अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। जगदीश सचिव UPSC ने विज्ञापन में सिर्फ एक संशोधन हुआ है, जिसके तहत शॉर्ट हैंड परीक्षा में गलती पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। आयोग का प्रयास है कि 6 माह में भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। एक और न्यूज़ है, कर्मचारी की मृत्यु के बाद नहीं चल सकती आपराधिक या विभागीय कार्यवाही। अगर कोई भी कर्मचारी, उस हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, इसे देख लीजिए। हाई कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके खिलाफ कोई भी विभागीय या आपराधिक कार्यवाही नहीं चल सकती। कोर्ट ने सेवा काल में निलंबित चल रहे मृतक कर्मचारी के बकाया देय पेंशन आदि भुगतान पर निर्णय लेने का CMO जौनपुर व निदेशक पेंशन लखनऊ को आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 3 माह में याची को पारिवारिक पेंशन व उसके पति का बकाया वेतन भुगतान किया जाए। अगली खबर, एडेड स्कूल के शिक्षक व कर्मचारियों की भी पेंशन के हकदार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत वे सभी शिक्षक व कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं जो 1964 की पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने पेंशन का लाभ सिर्फ उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक सीमित करने को सही नहीं माना। इसके संबंध में जारी आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही इंटरमीडिएट बोर्ड से मान्यता प्राप्त शासकीय सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के अतिरिक्त अंशदान ब्याज सहित जमा करने के लिए 2 माह का समय दिया है। एक कोविड वैक्सीन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, कोरोना वैक्सीन को इस महीने उम्मीद है कि वैश्विक मंजूरी मिल जाएगी और टीकाकरण जो है हमारे देश का 75 करोड़ के पार हो गया है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। दूसरे दिन लगातार 30,000 से कम मरीज मिले। और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो ज़्यादा कारगर नहीं है। देखिए, ये ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं कहा जा सकती, हालांकि इस न्यूज़ को अलग समझेंगे। 19 सरकारी स्कूलों को बंद करने की सिफारिश की गई है, लेकिन इस चीज़ को पूरा समझना होगा, क्योंकि इस तरीके से ये जो विद्यालय हैं बंद जरूर होंगे, लेकिन ये विद्यालय शिफ्ट कर दिए जाएंगे पास में। किराए के कमरों में संचालित मूलभूत सुविधाओं से वंचित शहर के 19 परिषदीय स्कूल बंद करने का सिफारिश की गई है। इन स्कूलों के बच्चों को आसपास के विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी के 4 अन्य सरकारी स्कूल के स्थान पर नए भवन निर्माण की संस्तुति की गई है, क्योंकि ये विद्यालय जो थे यहाँ पर जो जर्जर कंडीशन में हो गए थे इनकी कंडीशन की बिल्डिंग, तो इस वजह से ये बंद किए गए। इन विद्यालयों की ये लिस्ट है, देख लीजिएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या कह रहे हैं, नगर क्षेत्र के किराए के भवन में संचालित स्कूल के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट मिली है। उसे क्रॉस चेक कराने के बाद विभाग व प्रशासन उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। देखिए, UPSC का एक और कारनामा, कुछ मेडिकल ऑफिसर के अभ्यर्थियों का नहीं लिया गया साक्षात्कार और उन्हें लौटाया गया। उन्हें कह दिया गया कि उनके पास जो अहर्ता है वो नहीं थी, तो इस वजह से वो वापसी लौटा दिए गए। इस तरह PGT 2016 में भी ऐसे ही लौटा दिए थे, वे कोर्ट में चले गए थे, फिर मामला इसी तरह लटकता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो जब विज्ञापन जारी होता है उसी समय या जिस समय आप फॉर्म भरते हैं उसी समय ये सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ये बात पहले ही हो चुकी है, APS जो भर्ती 2013 है, अगर एक भी गलती होगी तो उसमें वो बाहर हो जाएगा।
देखिए टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड बहुत ही अच्छी न्यूज है। प्रतियोगी ने मांगी नियुक्ति व भर्ती व अटकी नियुक्ति। प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती। वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य पद की अटकी भर्ती सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतियोगियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं कि क्या क्या डिमांड थी और क्या क्या उप सचिव ने किया कहा। बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित मांग पत्र में कहा गया कि पीजीटी टीजीटी पदों पर भर्ती के मुख्यमंत्री के आश्वासन को पूरा करने के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मंगाकर विज्ञापन शीघ्र निकाला जाए, साथ ही नया विज्ञापन आने से पूर्व इस आशय का एक पत्र चयन बोर्ड शासन को भेजे। समान वेतन मान पर चयनित अभ्यर्थी नए विज्ञापन में आवेदन न कर सकें ताकि नए प्रतियोगी को रोजगार का अवसर मिल सके। बहुत ही अच्छी न्यूज है। अंक सुधार के लिए परीक्षा के लिए जिला मुख्यालयों पर भेजी गई कॉपियां। यूपी बोर्ड 2021 की अंक सुधार की परीक्षा 28 सितंबर 6 अक्टूबर चलेगी। अंक सुधार की परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी। जिला मुख्यालय पर कॉपियां भेज दी गई है। यूपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ थी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम जो है घोषित हो गया है। काउंसलिंग जो है उसकी 14 से होगी। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए 9 चरणों में 25 अक्टूबर तक चलेगी पूरी प्रक्रिया। ये हैं विभिन्न ग्रुपों के टॉपर्स भी देख लीजिए। जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ था, पॉलिटेक्निक के पाठ्यक्रमों में 17 ग्रुपों में विभाजित किया गया। अयोध्या के विवेक यादव, ग्रुप बी बाराबांकी के शशांक वर्मा, ग्रुप सी में हापुड़ मोनिका, ग्रुप डी में इटावा के रोहित, ग्रुप ई में बस्ती राज शुक्ला, ग्रुप एफ अंबेडकर नगर के राजनाथ वर्मा आदि। ये सभी जो टॉपर्स रहे हैं इन सब की लिस्ट है, देख लीजिए आप। तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा ही फैसला लिया है और ये अजीब भी फैसला कहा जाएगा। राज्य सरकार ने विधानसभा में पारित किया गया विधेयक। इसमें भाजपा जो सरकार है उसका वॉकआउट हो गया है। तमिलनाडु में अब नीट की परीक्षा नहीं होगी, 12वीं के अंक के आधार पर दाखिला होगा। देखिए राजस्थान में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, नीट का पेपर हुआ था लीक, 8 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पर राजस्थान में का पेपर राजस्थान में लीक कर दिया था। पुलिस ने सोमवार रात को इसका पर्दाफाश किया। इस मामले में 8 लोग को गिरफ्तार किया, 10 लाख की नकदी बरामद की गई। उधर सोलवर गिरोह के 50 और आरोपित को पकड़ा गया। शिक्षकों की सुविधाएं छीन रही है सरकार। ठकुराई गुट का एक धरना था, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया की कमी को दूर करने, कैशलेस चिकित्सा, सामूहिक बीमा कटौती की आदि की मांगों के लिए माध्यमिक शिक्षा संघ ठकराई गुट ने सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लेखा परिसर में धरना दिया। ये प्रयागराज की खबर है। ये न्यूज़ पहले ही हो चुकी है, ये भी न्यूज़ हो चुकी। 5 लाख से अधिक पेंशनरों को मिलेगा बड़ी पेंशन का तोहफा। प्रदेश सरकार ने छठे वेतनमान से जुड़े करीब 5 लाख पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्हें 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन दी जाएगी। इनकी पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। शासनादेश के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने पर वह धनराशि जो अधिक होगी वह पेंशन दे होगी। ये भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो पेंशनर हैं उन सब के लिए। आई होप आज के समाचार पत्रों की ये सभी न्यूज़ थी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद सोभित अग्रवाल क्लासेस।